क्या रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रम्पेट और मेरा नाम है मधुर चौहान। एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने में, लेकिन उससे पहले खबर आई है कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। वैसे तो खबर आ रही थी कि रोहित शर्मा खेलेंगे, क्योंकि अभी 15 नवंबर 2024 को रोहित शर्मा दूसरी बार पिता बने हैं और ये खबर सामने निकल के आई थी सूत्रों से कि 18 नवंबर को रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमें खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो रोहित शर्मा पहले टेस्ट में अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरा टेस्ट मैच जो कि एडिलेड में खेला जाएगा 6 दिसंबर को, उसमें रोहित शर्मा अवेलेबल होंगे। यहीं अगर हम बात करें तो इंडिया का जो इंट्रा स्क्वाड मैच था उसके डे 1 गेम में केएल राहुल इंजर्ड हो गए, डे 2 में शुभमन गिल इंजर्ड हो गए। तो शुभमन गिल, केएल राहुल, ये दोनों ही शायद हमें पहले टेस्ट में खेलते हुए नजर ना आए, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी टीम के साथ नहीं है। तो इनकी जगह कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, क्योंकि आपके तीन मेन खिलाड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं रहेंगे। हो सकता है यशस्वी जायसवाल के साथ अभिमन्यु ईश्वरन को ओपन कराया जाए और ध्रुव जोरेल, सरफराज खान को टीम में लाया जाए, जो शुभमन गिल और केएल राहुल को रिप्लेस करेंगे। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड डू फॉलो स्पोर्ट्स ट्रम्पेट।